गुड आफ्टरनून पीपल आई एम योर होस्ट विशाल एंड आई एम बैक विथ येट एन अदर मार्केट कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है? कल के लिए मार्केट में क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे टू बिगिन विथ आज निफ्टी uh, uh, में हमने थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग देखा था द रीजन वॉज वेरी क्लियर दैट रिलायंस में जो एक डी मर्जर का न्यूज आया है विथ जियो फिनंस यहाँ पर कहीं ना कहीं आज रिलायंस को उसने 3.85 परसेंट के एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ आज मार्केट में क्लोज दिया है दैट वाज द मेन रीजन कि आज थोड़ा सा निफ्टी बुलिश था डिस्पाइट ऑल अदर स्टॉक्स मोस्ट ऑफ अदर स्टॉक्स फॉर फॉलिंग यहाँ पर बैंक में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया निफ्टी में भी प्रेशर था ही uh, थोड़ा सा रिलायंस की वजह से निफ्टी ने आज थोड़ा सा एक कॉशस uh, ट्रेडिंग सेशन uh, दिया अदरवाइज आज निफ्टी हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं टू फिफ्टी लेवल के आसपास तक नीचे आता हुआ देख सकते थे आ, एक बार देख लेते कि अभी हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं थोड़ा सा पहले ओ पे एनालिसिस देखते हैं ओ का एनालिसिस ये कहता है फिलहाल कि 19,400 हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस इन द मार्केट अलोंग विद 19,500 इन दोनों जगह पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे वन पॉइंट एटीन सी आर की है और यहाँ पर अगर नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पर देखते तो अग्रेसिवली वन पॉइंट सेवनटीन सी आर यहाँ पर कॉल राइटिंग अभी भी पेंडिंग है बट अगर 19,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड का हम पुट ओ आई देखते तो यहाँ पर वो भी कुछ कम नहीं है सेवेंटी फाइव लाख के आसपास यहाँ पर पुट ओ आई भी हमें दिख रहा है सो so, कहीं ना कहीं 19,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड के पास हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पर वोलेटलिटी एरिया रहेगा नीचे की तरफ देखते तो कुछ खास मेजर यहाँ पर आ, आ, सपोर्ट दिख नहीं रहा है थोड़ा सा 350 पे भी आ, पुट ओ आई है थोड़ा सा और ज़्यादा पुट ओ आई नाइनटीन के आसपास भी है आ, बट इवेंचुअली मार्केट में थोड़ा सा अभी अगर देख रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट करने में लगे हैं और अगर हम बैंक निफ्टी का भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं फोर्टी फाइव थाउजेंड अभी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बनता जा रहा है अगर मार्केट जब तक 45,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता तो वापस हम एक अप ट्रेंड का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रख सकते हैं ऑन द डाउन साइड यहाँ पर कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है बट समवेयर अराउंड फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर थाउजेंड हंड्रेड यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक माइन्यूट सा गया थोड़ा सा एक सपोर्ट लेने का कोशिश करे आज अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा निफ्टी पे पहला फोकस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस ये कहता है कि निफ्टी में अगर कल मार्केट में वापस थोड़ा सा रिलायंस का आउट परफॉर्मेंस दिखता है तो हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी और थोड़ा सा ये हायर लेवल होल्ड करके चले यहाँ पर अगर इसके हम सपोर्ट लेवल देखते तो यहाँ पर बहुत इमीजिएट सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के पास है इमीजिएट सपोर्ट फॉर नाउ मार्केट इज इन नाइनटीन थाउजेंड वाइल थोड़ा सा उसके नीचे का एक सपोर्ट यहाँ पर 19,302 के आसपास है फिर नाइनटीन के पास है आ, मार्केट जब तक 19,300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तब तक हमें मार्केट में यहाँ पर 19,250 का लेवल आता हुआ नहीं दिख सकता है 19,250 के आसपास मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए बट यहाँ पर वापस पैनिक क्रिएट होता है तो ये जो गैप मार्केट ने यहाँ पर इससे पहले थोड़ा छोड़ के ऊपर की तरफ एक गैप अप ओपनिंग दिया था हो सकता है कि ये गैप क्लोज करने का मार्केट पूरा पूरा कोशिश करे और मार्केट कहीं ना कहीं नाइन्टीन के पास मार्केट uh, थोड़ा सा नीचे की तरफ आए मार्केट अभी भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में ही है आफ्टर रैलिंग 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड अगर हम देखते हैं मार्केट में जो रैली आई है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड या फिर एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के लेवल से जो मार्केट में रैली आई है वो एट हंड्रेड पॉइंट या फिर हम मार्केट uh, में नाइन्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेवल भी हमने देखा था सो so, ये जो नाइन्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लेवल तक कराए वो एट हंड्रेड पॉइंट्स कराए लिए इसमें अगर मार्केट ने अभी तक बस वन फिफ्टी पॉइंट शेड किए हुए तो मार्केट में इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मार्केट ने अभी भी ट्रेंड बैंड नहीं किया है जब तक मार्केट यहाँ पर ये टू हंड्रेड से नीचे ब्रीच नहीं होता तब तक हम मार्केट में थोड़ा सा और बाय ऑन द डिप के सिनारी की तरह ही हम थोड़ा सा इसे वॉच आउट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कल के दिन मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपन होता है uh, या फिर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक जो डबल बॉटम यहाँ पर फॉर्म किया है uh, ये जो डबल बॉटम है मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम देने का पूरा पूरा कोशिश करेगा ये रहा हमारा डबल uh, बॉटम नेकलाइन इसका कहीं ना कहीं नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड के पास है अगर नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड भी ब्रीच कर जाता है तो जैसे कि हमने बोला कि ओवाई की वजह से 19,420 थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी के ऊपर हमें थोड़ा सा और मार्केट 19,450 थाउजेंड फोर फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड की तरफ यहाँ पर ऊपर की तरफ एक पुश होता हुआ दिख सकता है बट इन केस अगर कल मार्केट में रिलायंस परफॉर्म नहीं कर पाता है और बाकी सारे स्टॉक अगर नीचे की तरफ का जो उनका डाउनफॉल है वो कंटिन्यू करते तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ कॉशियस रहना पड़ेगा इमिजिएट सपोर्ट इसके बाद अगर थोड़ा सा अगर मान लीजिए 19,330 के पास अगर ओपन होता है तो हम 19,300 तक हमारा कोई ट्रेडिंग जोन नहीं रहेगा अनटिल एंडलेस एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ 19,300 के नीचे क्लोज हो जाता है तब तक हमारी थोड़ी सी डाउन की पोजिशन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे बट uh, अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लोजिंग मिल भी जाता है तो यहाँ से हम थोड़ा सा वापस नाइनटीन मतलब बस फिफ्टी पॉइंट के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से फुल uh, फ्लेज मतलब थोड़ा सा पैनिक करके निकल जाता है तो ही फिर हम नाइन्टीन को नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं uh, एक बार अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के लेवल्स कहीं ना कहीं और थोड़े ज़्यादा प्रेशर में हैं जैसे कि हमने देखा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है जब तक आ, जब तक यहाँ पर निफ्टी आ, 800 पॉइंट का रैली दे चुका था बैंक निफ्टी में बस 1150 पॉइंट्स के आसपास का ही रैली बस आते हुए देखा है हमने विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज बट हो सकता है कि मार्केट में अगर कल थोड़ा सा यहाँ पर आ, एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने मिलता है तो वापस हमें इसमें भी एक आ, Uh, कहीं ना कहीं एक डबल uh, बॉटम बनता हुआ मार्केट में दिख सकता है ये 15 मिनट्स में है सो तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली काम करेगा इसका जो नेकलाइन है वो नेक लाइन हमारा कहीं ना कहीं फोर्टी uh, uh, 44,950 के आसपास का है इसके ऊपर अगर जाता है तो 19,500 का डेफिनेटली एक लेवल रहेगा जो ब्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नाइन्टीन सॉरी फोर्टी के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से हमें हो सकता है कलेक्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक रैली मिले जो 45,200 के आसपास तक मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है हमारा जो एक यहाँ पर पहले सपोर्ट जोन था ये सपोर्ट जोन अभी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा यहाँ पे अगला जो जोन रहेगा वो कहीं ना कहीं मार्केट में हम इस लेवल के आसपास से एक थोड़ा सा मार्केट में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से एक थोड़ा हम रेजिस्टेंस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अगर ऊपर निकल जाता है तो मार्केट आने वाले टाइम में 44,350 400 के आसपास मार्केट यहाँ पर जाते हुए दिख सकता है ये भी हमारा रेजिस्टेंस ही बनेगा इसे हम अभी रेजिस्टेंस बना देते हैं right? राइट uh, तो इसके साथ साथ अगर हम नीचे के लिए थोड़ा सा मार्केट को देख रहे तो मार्केट अभी भी यहाँ पर जो एक गैप है फाइनली ये गैप क्लोज करके यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है अगर गैप गैप क्लोज होने के बावजूद अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट में मेरे ख्याल से भी डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैनिक क्रिएशन होगा और इस पैनिक क्रिएशन में मार्केट सीधे फोर्टी के पास नीचे की तरफ एक डिमांड जोन की तरफ मार्केट पूरा पूरा आने का कोशिश करेगा सो लेट्स होप कि मार्केट यहाँ पर इससे नीचे और थोड़ा ना आए वरना यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही जरूर बट यहाँ पर हमें ट्रेंड बेंड होता हुआ जरूर दिखेगा और थोड़ा सा हम बियरिश पोजिशन के लिए फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नीचे डेफिनेटली सोच के चल सकते हैं अगर मार्केट में कल थोड़ा सा ऊपर की तरफ का रैली आता है तो हमें थोड़ा फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लेवल पे भी वॉच रखना पड़ेगा फोर्टी फोर फोर्टी फाइव थाउजेंड एक बार क्लियर हो जाता है तो यहाँ का अगर ओआई थोड़ा सा पैनिक करके यहाँ से निकल जाता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा भी 44 फोर फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास तक ऊपर की तरफ मार्केट को जाता हुआ हम थोड़े से टाइम में देख सकते हैं इसी के साथ हम आज का एनालिसिस खत्म करते हैं सी यू बैक टुमारो अगेन विथ मार्केट एनालिसिस फॉर वेनसडे अंटिल देन हैव अ ग्रेट सेशन टूमारो